अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी की संपत्ति पर आखिर किसका होगा अधिकार? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस समय दुनिया में नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी आजीवन अविवाहित रहे, लिहाजा उनके निधन के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर उनकी संपत्ति का असली वारिस कौन है। हालांकि साल 1998 में जब वे 7 रेस कोर्स रोड में रहने पहुंचे तो उनकी दोस्त राजकुमारी कौल की बेटी और उनकी दत्तक पुत्री नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य का परिवार भी साथ रहने आया। राजकुमारी कौल के बारे में बताया जाता है कि जब अटल पीएम थे तब कौल वाजपेयी के घर की सदस्य थी। उनके निधन के बाद वाजपेयी के आवास से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें उन्हें वाजपेयी के घर का सदस्य संबोधित किया गया था। जहां तक अटल जी की संपत्ति की बात है तो साल 2004 के लोकसभा चुनाव में उनकी तरफ से जमा किए गए शपथ पत्र के मुताबिक अटल जी के नाम कुल चल संपत्ति 30,99,232.41 रुपए थी। वहीं पूर्व पीएम होने के नाते 20,000 रुपए की मासिक पेंशन और सचिवीय सहायता के लिए 6,000 रुपए का कार्यालय खर्च भी मिलता था। अगर अटल जी की अचल संपत्ति की बात करें तो 2004 के शपथ पत्र के अनुसार उनके नाम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में फ्लैट नंबर 509 है, जिसकी 2004 के समय कीमत 22 लाख रुपए थी। वहीं अटल जी के पैतृक गांव निवास सिंधे की छावनी कमल सिंह का बाग की 2004 के समय कीमत 6 लाख रुपए थी। इस तरह 2004 के शपथ पत्र के लिहाज से अटल जी की कुल अचल संपत्ति 28 लाख रुपए थी। हालांकि अभी अटल जी की वसीयत सामने नहीं आई है, लेकिन साल 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार ये संपत्ति उनकी दत्तक पुत्री नमिता और दामाद रंजन भट्टाचार्य को मिलने की उम्मीद है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।